ठीक है ना, अपडेट करके एक दूसरे का टेस्ट ले लिया, फिर पड़े क्योंकि आपको इसको इज्जत करेगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पे आज मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में यहाँ पे इधर विज़िट की है, तो मेन जो मेरा मकसद था यहाँ पे विज़िट करने का था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स वगैरह रहते हैं, तो एक तो वो गैप्स जो थे वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से गैप्स हैं जो हम लोग फिल अप कर सकते हैं या कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, और दूसरा जो मेन मकसद यहाँ पे था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे आज सर्जरीज का जो रखा हुआ था प्रोग्राम के दो कोलिसिस्टेक्टमी की जो जिसको हम बोलते हैं कि गाल ब्लैडर की सर्जरीज, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने रखी हुई थी। उसके लिए मैंने एक असिस्टेंट की टीम जो है वो सुनकोट से भी बुलाई हुई थी, एनेस्थेटिस्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और सर्जन भी यहाँ पे था, लेकिन एक सर्जन और एक असिस्टेंट जो है वो हम लोगों ने वहाँ से सुनकोट से यहाँ पे बुलाया था ताकि हम लोग कामयाब तरीके से ये दो सर्जरीज कर पाएँ। तो इस वक्त एक सर्जरी तो हो चुकी है और दूसरी सर्जरी जो है इस वक्त वो चल रही है और वो भी 15-20 मिनट में वो भी फ्री हो जाएंगी। और मेरा ये मेन मकसद था कि लोगों को दूर दूर इलाके में जाना पड़ता है अपनी सर्जरीज कराने के लिए और अपना इलाज कराने के लिए, तो अगर कोई एक आध दिन फिक्स कर लिया जाए हफ्ते में जो यहाँ के कुछ लोग हैं ताकि उन गरीब आवाम को यहाँ पर ही फ़ायदा मिल सके। ऐसा है मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि रेगुलर टाइम पर तो हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते सर्जरी। दूसरा ये है कि उसमें हमें एक टीम मेंबर चाहिए, बहुत में उसमें हमें स्टाफ ज़्यादा चाहिए जो ताकि मॉर्निंग इवनिंग नाइट और उसके दिन बाद में नाइट ऑफ भी चाहिए कुछ लोगों को, क्योंकि एक आदमी की जो काम करने की वो कैपेसिटी है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है और अच्छा काम भी नहीं कर पाता है अगर वो लगातार 24 घंटे काम करता रहेगा एक डॉक्टर। तो उसमें यह है कि हम लोगों ने यह रखा है कि जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, जैसे रेगुलर सर्जरी तो हो रही है, अपेंडिसेक्टमी भी हो रही है, बाकी और सर्जरीज भी हैं जैसे हेमराइड की है, वो सर्जरीज भी हो रही हैं, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसको माना जाता है, हम बोलते हैं मेजर ऑपरेशन है, तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे कम से कम हफ्ते में एक, अभी फ़िलहाल हमने एक दिन रखा है, उसके बाद आस्ता आस्ता जो ही हम लोग देखेंगे हमारे पास स्टाफ भी और आ जाएगा, डॉक्टर्स भी और आ जाएंगे, तो हम इसको बढ़ा के 1 से 2 दिन भी कर सकते हैं और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में लगातार भी हम लोग यहाँ पर ये सर्जरीज वगैरह करवा सकते हैं। पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी, आ गया बजाज फाइनेंस आपके शहर पुंछ में। इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आइटम आप ख़रीद सकते हैं 0% इंटरेस्ट के साथ आसान किस्तों में। लीजिए फाइनेंस अवेलेबल एट 0% ऑन एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। रब्ता कीजिए गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मैन बाज़ार पुंछ से, मोबाइल नंबर 9419200401 या 9797347333।